बट ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू हार्ट एंड फिर हार्ट जो है हमारे पूरे बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है वैसे ही हमारे यहाँ पे जो ब्रेन है हमारे जो इन जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है इन सब चीजों को आ, आ, बैठे हैं हमारे सब चीजों को सोच के बैठे है, वो है हमारे प्रेसिडेंट सर मैथिली शरण गुप्ता सर तो वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस को जो है आ, सुबह सुबह एक बीस से तीस मिनट की शॉर्ट मीटिंग में दिशा निर्देश देंगे कि आज आपको क्या क्या डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिविजन में क्या क्या काम करना है और पिछले दिन का वो लेखा जोखा भी लेंगे कि पिछले दिन जो मैंने आपको दिशा निर्देश दिए थे उसका क्या हुआ उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे कंप्लीट है जो चीज़ कंप्लीट हो गई है वेल एंड डन जो चीज़ नहीं हुई है आप मेरी हेल्प लीजिए मेरी एडवाइस लीजिए मैं उसको कंप्लीट कराने में हेल्प करता हूँ और आज के दिशा निर्देश ये हैं तो सुबह सुबह वो ताज़ा एनर्जी से जब सर दिशा निर्देश देंगे और सुबह सुबह जब दिशा निर्देश मिलेंगे तो शाम तक पूरे एनर्जी और पूरे मन के साथ हम पूरी की पूरी जो टीम है वो अच्छे से काम कर पाएगी आगे उन ऑर्डर्स का संचालन कर पाएगी ताकि पूरे दिन भर तरो तरीके से हम काम कर सके यहाँ पे सर की प्रॉपर मीटिंग आ, मीटिंग का भी सर ब्यौरा देंगे आज मेरी किन किन के साथ मीटिंग है विराट स्वरूप आने वाले बताऊंगा मीटिंग में कि क्या होता है हमारा विराट स्वरूप वो किसके साथ है तो एक्सपर्ट यह, यह बहुत अच्छा आइडिया है यस इसे अनुमोदित किया जाता है सर। और इसमें इसको हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे इसका मतलब है कि इसमें छोटे छोटे डिवीजन रहेंगे जिससे कि और ये मीटिंग बहुत शॉर्ट रहेगी मतलब जैसे उस डिवीजन के बारे में पांच मिनट में रहेगा तो उस पांच मिनट के लिए कोशिश ऐसा समय रखेंगे जिससे कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो जो चाहें तो वो उसमें जुड़ जाए उनको वो ऑप्शन रहेगा तो उन्हें वन टू वन जो है ना एक जो एनर्जी ट्रांसफर का है उसका फायदा मिलेगा और इससे जो है मुझे एक फायदा ये मिलेगा कि हम पिछले दिन भर में क्या कर पाए हैं और क्या नहीं कर पाए हैं इसका स्टॉक ले पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है कि कंट्री वी आर कि हम नेचर को दोबारा पुनर्स्थापित करेंगे हर फील्ड में डिफरेंट तरीके के पेड़ लगेंगे गौशालाएं होंगी बी कीपिंग होगी एक्वाकल्चर होगा और मिट्टी जो है ना ऑर्गेनिक होगी माइक्रोव होंगे अर्थवर्म होंगे तो कुल मिला जो है हम जो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन नेगेटिव चीजों को विलोपित कर देंगे और साथ में एक, एक देंगे तो जो सी एफ बैलेट है ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कि धीरे धीरे एक साल के अंदर ही आपकी अधिकांश आवश्यकताएं जो है ना सी एफ बैलेट से पूरी हो जाएंगी आपको जो है ना किसी अन्य स्रोत पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी इसमें जो है ना रिटेलर शॉपकीपर सभी लोग जो है ना इनको जोड़ा जाएगा और हर फील्ड के लोगों को जोड़ा जाएगा लिहाजा आई फील कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और इससे जो है स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफिस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ पाएगा जो कई बार समय पे चीजें ना होने पे कई दिनों बाद जो है ना मालूम पड़ती हैं वो स्थिति नहीं बनेगी इसके हम सब फॉर्मेट्स और प्रेजेंटेशन का एक स्टाइल बना देंगे जिससे कि कम समय में बातों में बात ना कहना पड़े एक चार्ट से ही चीजें सामने आ जाए और फिर जो पूछना हो जो बताना हो वो हम कर पाएंगे आ, मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरियट ऑफिस के द्वारा प्रपोज की जा रही है बहुत ही अच्छी है मैं इसे अनुमोदित करता हूँ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम सर